ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਕੋਤਕੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਈ ਖਟਖੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕ ਜਰਿਆ ਹੈ ਤੋ ਪੁਤਲਾ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੇ ਨਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੇ ਤੋ ਕਿਸਾਨੋ ਸੇ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਕਿਸਕਾ ਪੁਤਲਾ ਅੱਜ ਫੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਉਨਸੇ ਹੀ ਬਾਤਚੀਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ प्रधान जी आज ये किसका पुतला फूका गया है? ये पुतला फूका भाई मनोहर लाल खट्टर का जो हरियाणा मुख्यमंत्री है और ये एक पुतला फूका ही योगी का, योगी आदित्यनाथ का जो यूपी का मुख्यमंत्री है। ये दो पुतले फूके हैं। क्यों, क्या कारण है, क्यों फूकेगा प्रधान जी? क्योंकि यूपी में जो मुख्यमंत्री है इसकी साथ से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसका इशारा भी इतना बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि यहाँ का ओडा का ये मुख्यमंत्री जुम्मेवार हो है, कुकड़िया का भी मुख्यमंत्री जुम्मेवार हो है और इतना बड़ा हादसा उसी के मंत्री और फिर मंत्री भी नहीं मंत्रियों के छोरे और किसान एक शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा के वापिस आ रहे थे सोची समझी चाल के साथ, पाँच सात हमारे किसाना के छोरे मारे, देख के जवान छोरे हैं, एक 18 साल का, एक 20 का है, एक 22 का, एक 30 का है, चढ़ती उम्र में वो छोरे जान बूझ के मारे हैं। और जो ओम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा पाजे तो मैं इस्तीफा दे दूँगा, इस्तीफा क्यों दे दूँ भाई, फांसी काल जे तेरा छोरा सह उसमें बाकायदा वीडियो पूरा देश देख रहा है, हाथ में पिस्टल है, खिड़की खोल के भाज रहे है और इतना बड़ा अपराध इब तक इस सरकार ने, योगी सरकार का हिले फुका इब तक तो पहला 302 का मुकदमा DGP ने ला दिया, बोले भाई मैं लाइन ऑर्डर का पालन करूंगा, लेकिन अभी तक रेस्ट नहीं करे गए तीन। और किसान ये बोलते नहीं थोड़ा कोई खांस जे या कर दे उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा, 307 का मुकदमा, और ये खून कर दिए जनता का शामी जानबूझ के खून कर दिए हमारे किसाना के, उनके बारे में कोई सोचे विचार को नहीं, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं, महाराज इसका मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं, सिर्फ कानून प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया 45 लाख देगी ने फराम होगी, इससे थोड़ा होगा उनको रेस्ट करो, थोड़ी ढिलाई मारी भी रहेगी भाई, जेल में जाने चाहिए थे, जब से पहला फैसला नहीं करना थी चाहिए था इन भाइयों ने तोड़ करके, 302 का मुकदमा ला गया तो पुलिस कहीं भी ठास के है, पुलिस के निगरानी में है भाई सारी बात, उनको मालूम है क्यों, सरकार का दबाव भाई, तकड़ी सरकार बन रही है, मनस मारो, ये मंत्री मारो, इनके छोट मारो, किसानों ने मारो, कितना किमें करो, उसका तो न्यू फूकिया और इसका न्यू फूकिया भाई, इसने एक मीटिंग बुलाई थी युवाओं की जो इसके किसते प्रधान जी किसते मुख्यमंत्री ने अपने न हरियाणा सरकार ने इसने निगा भाई लट ठा लो 1015 तैयार हो जाओ और किसाना के सिर फोड़ दो और भाई जेल में जाओ और फिर लीडर बन के आ जाओ, मेरे दौरा से तो बोला मैं जेल ही नहीं होने दिंदा, अल्ले थोड़ी बहुत ही जेल होगी तो मेरे दौरा आ जाओ और सिर फोड़ो, ईसा आदमी जो जुम्मेवाराना गैर जुम्मेवाराना बयान दे रहा तो मुख्यमंत्री क्यों बनया था फिर, तेरा बस की बात नहीं थी घर चलाना, तो एक किनारा अपना खेत में कड़ियाँ झूपड़ी घाल के बैठ जे, चकड़ियाँ रेडी ला ले, मुख्यमंत्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए उसमें, और इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और किसाना पर शिकंजे खज रहे के भाई ये बोल के वो, एक किसान थोड़ा बोला था देशद्रोह का मुकदमा चंडीगढ़ जमाने तो इसी जाएगी, और यूँ इतना बड़ा बोल रहे हैं, इसके खिलाफ हर आदमी व्यक्तिगत
हर थाना में रिपोर्ट लिखा होगा, संगठन लिखाओगे, FIR दर्ज कराएगा, कदे न कदे तो भगवान सुनेगा इन किसाना की। अग्नियों सारी उम्र यू के अमल पर खा रहा है, अगर भाई जिंदा ही रहेगा या भाजपा जिंदी रहेगी, इनमें तो कोई तो होगा, इसके सारे उगाड़ उगाड़ करेंगे भाई, उगाड़ होगी देश में, भाजपा से नफरत होगी पूरे देश में, कुदरती होगी। जिसके छोरे मर रहे हुए तो वो मारे मर रहे हैं, किसके मर रहे मारे हैं, जो मुसलमान का छोरा है, चाहे वो सिख का है, चाहे हिंदू का है, चाहे क्रिश्चन का है, किसान तो है, जो किसी बिरादरी का है, ब्राह्मण का है, वाल्मीकि का है, समारा का छोरा, खाती लुहारा का छोरा है, वो सह तो मारे, वो हर जानबूझ के मारे रहे, पाछे से गाड़ी चढ़ा दी रहे, बेरहमी करी, इसी बदमाशी करी, इसी सरकार हमने भाई जिंदे जी कदे फिर दिखाओ ना, हमारे युवा ना हम कह जाए भाई मारे मरे पाछे, भाजपा का नहीं मुँह करके भी ना सोइयो, इसलिए पुतले फूके हैं भाई। धन्यवाद प्रधान जी, जो मुख्यमंत्री ने कहा जैसे को तैसा लठ उठाओ, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना, आपके क्या विचार? देखिए, मुख्यमंत्री का एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस टाइम के अंदर जो मुख्यमंत्री ने ये शब्द कहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि उसने वापिस लेने चाहिए किसानों के, और आगे आने वाले समय में इनको जनता बख्शेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी आदमी इसकी तरफ किसी का हाथ नहीं होगा। और जो आज तक 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और अभी तक वह गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम योगी सरकार की और मोदी सरकार की इसमें घोर निंदा करते हैं। खा पंचायतों की तरफ से जी क्या एक्शन रहेगा? खा पंचायतों की, खा पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है और साथ ही खड़ी रहेंगी और पीछे भी साथ थी। प्रधान जी, प्रधान जी।